तो आज काफ़ी टाइम, इट्स संडे एक्चुअली, आज संडे है, तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद एक पैर पे इस पैक लगाया है एंड आई फील सो गुड एंड रिफ्रेश। और ओके फाइन, और आयशा ने सुबह से हल्ला मचा रखा है कि मैं पार्लर जाऊँगा, लेके तो जा रहे हैं, शाम हो गई है क्योंकि दिन में बहुत अच्छी खासी धूप थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और अब प्रॉब्लम ये है कि बादल हो गए हैं, अब चलते हैं। ओके आयशा मुझे वीडियो कंप्लीट नहीं करने दे रही है, तो इट्स ओके। चलिए वेस लॉक ले लो। हाँ चलो, वीडियो कंप्लीट नहीं करने दे रही है, बहुत ज़रूरी सामान था, कुछ वो लेने तो जाना ही है, तो अभी हम होकर आते हैं फटाफट क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है वो, तो लेट्स गो। चलिए हेलो, हाँ टू बी कंटिन्यू। इसे आ गई है और आयशा खा रही है, आयशा जी के क्या खा रही है आयशा? जलेबी। और आयशा ने क्या करवाया है कि क्या हुआ है? हेयर कटिंग, आयशा की हेयर कटिंग, आयशा ने बाल कटी करवाया है ना। कहाँ गई थी आयशा? आयशा कहाँ गई थी बोलो ना। पार्लर। आयशा पार्लर गई थी हेयर कटिंग करवाने, तो आयशा प्रिटी गर्ल बन गई है, यूनी सी डॉल है ना। आयशा को जलेबी पसंद लगती है? मेरे को खिलाओ। अच्छा आपको खिलाऊं? जलेबी नहीं खाना वरना हाइपर हो जाओगी। वो भी हो जाती है, तो उसके लिए हम आयशा के लिए नमक पारा भी लाए हैं, चाय के साथ या वैसे ही खा लेते हैं तो ठीक है, स्मॉल मील के लिए, ज़्यादा नहीं कभी कभी। तो संडे हमारा हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 8:00, नो इट्स 8:00 एक्चुअली। हम बाद में घूमा घूमा आप कितना चलेंगे? हो गया हम बाद में ठीक है, इतना घूमा घूमा तो कभी खत्म नहीं होता है, ओके बाद में चलेंगे। और ये खिलाओ। ओके चलिए, अब थोड़ी देर में डिनर, रोटी बना दी थी, अब बस सब्जी बाहर से ले आए थे क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था संडे को बनाने का, संडे हैं। ओके बस सॉन्ग आना चाहिए, आयशा को नाचने में मतलब है। और आयशा का ये न्यू हेयर स्टाइल, आयशा की आज कटिंग हुई है। ओके आयशा के हेयर्स लॉन्ग हो रहे थे काफ़ी, सॉन्ग आ रहा है ओपन गंगनम स्टाइल। क्यूटी पाई हो गई है आयशा, अच्छा स्लो मोशन हो रहा है। इजी। चलिए डांस करते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर रेस्ट टू करते हैं। ऑल राइट बाय एवरीवन, बाय। अभी एक महीने वाले हैं, पौने को हैं, और मैंने एक मूवी देखी है, फिनिश करी है अभी थोड़ी देर पहले, आइस अटैक। बहुत ही एक्साइटिंग मूवी थी, इंटरेस्टिंग मूवी थी, और मैं एक मूवी और देखने वाली हूँ एटलीस्ट, क्योंकि क्या तोड़ दिया छोटा मोटा क्यों बोल रहे हो, पिटाई ना आपकी? हाँ इसको नींद आ रही है, पापा ने ठीक कर दिया, से थैंक यू। उसे तोड़ा कैसे है? नहीं बोलूँगी तो एक्चुअली इसका क्या है कि जब तक हम टीवी देखते हैं तब तक इसको पता नहीं क्या इसको एक्साइटमेंट होती है, क्या इसमें एनर्जी आती है, नो ये बहुत खुश रहती है, इसको लगता है हाँ जब तक मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं तब तक मैं भी जगी हूँ,
वैसे तो ये लेट नाइट ही सोती है डेली, कोई नई बात नहीं है, बट नई बात मेरे लिए ये है कि आई एम गोइंग टू वॉच वन मोर मूवी जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स ओके, क्योंकि मेरे को मैं सीरियसली मुझे शायद 6, 8 या 10 महीने हो गए कि मैंने कोई सिंगल नॉट इवन सिंगल मूवी आई हैव वॉच्ड सिंस 6 or more than months स्ट्रेंज. तो आई डोंट नो, आ मूवी तो एक्साइटेड थी नो डाउट. अभी नेक्स्ट कौन सी देखनी है ये कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने, सर्च करूँगी तो देखूँगी कि हाँ कि ये देखनी है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रही है. बट उससे पहले आयशा को दूध दे देते हैं और थोड़ा सा मैं एक दूध का काम निपटा लेती हूँ. आज टुडे वॉज संडे, मतलब हाँ मंडे स्टार्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली मेरा अभी वेकेशंस हैं थैंकफुली, अदरवाइज मेरा इतना बिजी टाइम रहता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आई रियली रियली कांट टेल यू कि मुझे बस थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बट अभी जब से बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और करेक्शन वगैरह करने के बाद, इनफैक्ट मुझे मैं आज ही फ्री हुई हूँ, आज ही मैं सारा वर्क करके फ्री हुई हूँ एंड घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छा, बहुत बहुत साफ़ सफाई की है और अभी भी घर को क्लीनिंग की बहुत नीड है. अभी भी कपड़े फैले हैं, वो इससे फैले हैं क्योंकि शाम को मशीन लगाई थी एंड ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई अभी, पता नहीं 12:30 के करीब, और फटाफट कपड़े वपड़े सारे बाहर से लेकर आओ, इधर उधर फैला दिए कि सूख जाए एटलीस्ट. रैक वगैरह सब क्लीन किया है, अभी अभी बहुत काम पड़ा है अभी भी, मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अभी करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. बट मुझे मूवी देखना है, ये हार्ड एंड फास्ट है, मैं तो देख के ही रहूँगी सीरियसली. और कुछ खाने की भी क्रेविंग हो रही है एज़ यूजुअल, कि ज़्यादा देर तक मुझे अगर डिनर करने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए जगह जगह, तो मेरे को खाने की बहुत क्रेविंग होती है कि कुछ खाना है, जैसे लाइक दूध हो गया, कप ऑफ मिल्क या ग्लास ऑफ मिल्क ही हो गया, या चौकोस हो गए, दूध चौकोस या कुछ भी हल्का सा, बट मुझे क्रेविंग हो जाती है खाने की. तो मैं अभी थोड़ी देर में मूवी देखूँगी और वो अपनी खाने की क्रेविंग को दूर करूँगी. और सोएंगे तो बताऊँगा. उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, ट्यूशन स्टार्ट होंगी, तो फिर मेरी फिर से बैंड बजने वाली है. नो नॉट लाइक दैट, बट हाँ मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है. यस, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? नो पैंडा नहीं, पैंडा नॉट नाउ. ये रूम भी ऐसे ही बस इतना मैसी हो रहा है कि बस कपड़े वगैरह क्योंकि यहाँ पे डाल रखे हैं. चलो चलो, ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है? हाँ चलिए 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 चलिए, फैन ऑन करिए. हाँ नो नॉट फैन ऑन करिए, चलिए उस रूम में चलिए क्योंकि अब नीनू का, मैं तो जा रही हूँ, आप यहाँ रहिए अकेले, मैं तो उग्गू पीने जा रहा हूँ. आई शुड वांट टू कम, नो यू स्टे हियर ओके. ये नहीं रुकेगी, ये बहुत ज़्यादा डरपोक है. आ गई, क्यों जाओ ना उस रूम में, ये इतनी डरपोक है, आई मीन सीरियसली ये इतनी ज़्यादा डरपोक है कि अगर हम दोनों में से घर कोई रूम से बाहर नहीं निकलता तो ये रूम से छोड़ो, अरे मेरा ड्रेस छोड़ो, अगर हम दोनों में से कोई रूम से बाहर भी नहीं निकलता तो मजा लें कि ये बाहर निकल जाएगी, नॉट एट ऑल, चांस ही नहीं है. और जैसे हम दोनों में से कोई रूम से बाहर आता है, इसकी दादी जब आती हैं वो इस रूम में रहती हैं, तो बस इसका यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ चक्कर लगता रहता है बस ऐसे ही. और अकेले तो मजा ले कि वो दरवाज़ा क्रॉस कर ले, लाइक ये दरवाज़ा है तो इसके लिए लक्ष्मण रेखा है. पता नहीं क्या डर है इसको. डर बहुत हो तुम, वैसे तो शेर बनती हो तुम हमारे ऊपर, वैसे तो शेर बनती हो. VCR लेकर आते थे एक दिन के लिए रेंट पर, और हम पूरी एक फुल नाइट हम मूवी देखते थे बैक टू बैक एंड 3 मूवीज़. ये ट्रेंड था, ये मैंडेटरी था कि मूवीज़ लानी है तो 3 मूवीज़ लाएंगे की कैसेट्स आई मीन, और वो 3 घंटे की होती थी तो हम 10 या 11 बजे स्टार्ट कर देते थे मूवीज़ देखना डिनर करके,
बारह एक दो तीन चार पाँच और लिटरली हम मॉर्निंग में सोते थे, तो हम मतलब मैं और मेरी सिस्टर मेरी और मेरे कज़न्स थे, बुआ जी हैं हमारी और उनके बेटे दोनों बोलो, तो हम और दादा दादी देखते थे, जब तक तो मन करता था फिर सो जाते थे। तो पूरी रात तो नहीं बट एटलीस्ट एक मूवी मैं फिर से देखूँगी सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। कौन सी तो आप देखते हैं वो एंड लुक एट हर कितनी एक्साइटेड है, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सीरियसली कितने टाइम के बाद, साल तो हो गया होगा कि मैं एक मूवी देखूँगी, साल नहीं भी होगा तो छः महीने से ज़्यादा तो हो ही गए हैं। एक क्रिसमस का याद मुझे आ गया क्योंकि उसमें एक क्रिसमस सेलिब्रेशन डे था, हम भी जब छोटे थे तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे मम्मी के यहाँ पे पार्टी करना, और यहाँ भी मैंने किया था बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है वो है ना। ऐसा भी करेगी आप पता नहीं सो जाएगी या ये देखेगी मूवी, आई थिंक देखेगी क्योंकि लेट नाइट ही सोती है मैडम। लेट्स सी कौन सी मूवी देखते हैं अब नेक्स्ट।